दोस्तों आज की हमारी वीडियो है शीशम के ऊपर। हिंदी में इसको शीशम बोला जाता है, संस्कृत में इसको कृष्णसारा, पिपला, कपिला, डलपत्री बोला जाता है, अरबी में इसको शीशम, उर्दू में इसको शीशम, पंजाबी में इसको शीशम और टाली भी बोला जाता है। दोस्तों इसके उपलब्धि स्थान भारतवर्ष में प्राय सब और पैदा होते हैं। इसका जो वृक्ष है 60 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पिंड की गोलाई 6 से 12 फुट तक होती है। इसकी छोटी शाखाएं नीचे की तरफ लटकती हुई और रोएदार होती हैं। इसके पिंड की छाल 1 इंच तक मोटी और कुछ पीलापन लिए भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते गोल और नोकदार बेर के पत्तों के समान होते हैं। फल गुच्छों में लगते हैं। इसकी फलियाँ बहुत चपटी और पतली होती हैं। हर एक फली में 2-2, 3-3 चपटे बीज निकलते हैं। शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत, भारी और दृढ़ होती है। फर्नीचर बनाने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। काफ़ी अच्छा फर्नीचर बनता है। इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ और मजबूत होती, भारी होती है। आयुर्वेद के अनुसार शीशम कड़वा, तिक्त, कसैला, गर्म, कामोद्दीपक, कफ निसारक, कृमिनाशक, ज्वरनाशक, प्यास को बुझाने वाला, गर्भ को गिराने वाला और वमन तथा दाह को शांत करने वाला होता है। यह चर्म रोग, वर्ण, रक्त के रोग, श्वेत कुष्ठ, अजीर्ण, अतिसार और गुदा मार्ग की तकलीफों को दूर करने वाला होता है। इसके पत्तों का रस नेत्र रोगों में बहुत लाभदायक है। यूनानी मत के अनुसार शीशम की लकड़ी कड़वी स्वाद वाली, रक्त शोधक और नेत्र तथा नाक की बीमारी में उपयोगी होती है। यह गीली खुजली, शरीर की जलन, उपदंश, पेट के रोग और पेशाब की जलन को शांत करने वाली होती है। इसके कुछ औषधीय गुण हैं, कुछ घरेलू प्रयोग हैं। इसके पत्तों का कवाथ पिलाने से फोड़े फिंसी मिटते हैं। कोढ़ में भी इसके पत्तों या बुरादे का कवाथ पिलाया जाता है। तो अगर इसकी छाल को तेल में जलाकर रख लिया जाए तो फोड़े फिंसी, खुजली में बहुत अच्छा लाभ करता है। चमड़ी के रोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ करता है। अगर महिलाओं के सतनों की सूजन है, इसके पत्तों को गर्म करके सतनों पर बांधने से और इसके काढ़े से सतनों को धोने से सतनों की सूजन उतरती है। कुष्ठ रोग में शीशम के 10 माशे बुरादे को लेना है, आधा पाव पानी में उठाना है उसको। आधा पानी रहने पर उसमें इसी शीशम का शरबत मिलाकर 40 दिन तक पीने से कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रक्त विकारों में शीशम के बुरादे का शरबत बना के पिलाएँ तो रक्त विकार मिटते हैं। जहाँ की अत्यंत तीव्र पीड़ा में इसका कवाथ पिलाने से बहुत लाभ देखा गया है। इन लड़कों को सपन दोष की शिकायत है या धातु का रोग है, इसके पत्तों का रस निकाल के पानी के साथ वो पी सकते हैं तो उनका धातु रोग ठीक हो सकता है। जिनके पेशाब में जलन होती है या उनके पेट में गर्मी है उसमें भी इसके पत्तों का रस निकाल के दिया जा सकता है। ये बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए हमने शीशम के बारे में बताई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।